Hello, good morning students. Today I am going to take UKG class, subject GK. So students, today's new topic, rooms in a house and in the kitchen. Today's new two topics, rooms in house and in the kitchen. Okay, so students, yesterday we learned things around us and types of houses. First of all, we see here, count and write the correct numbers name. Okay, see here, first question is, a rainbow has, tell me students and answer, a rainbow has --- colors. How many colors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many colors? There are 7 colors. Okay. Next, two number. A cow has --- horns. Horns यानी उसके सिंग जो होते हैं ना, उसके बारे में उन्होंने पूछा है. A cow has how many horns? Tell me. 2 or 4? 2. A cow has 2 horns. 1, 2. Okay. Next, a starfish has --- arms. Starfish को कितने हाथ होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5. A starfish has 5 arms. We have --- fingers. Students, tell me how many fingers? There are 10 fingers. There are 10 fingers. See here. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 fingers. We have 10 fingers. A chair has --- legs. How many legs? A chair has 4 legs. Okay. We have 1 nose. We have 1 nose. Okay. Students, you also daily read this topic. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाउसेस यानी अलग अलग प्रकार के घरों का नाम, उनके नाम अलग अलग होते हैं. वी ऑल लिव इन हाउसेस. वी ऑल लिव इन हाउसेस यानी हम अलग अलग, हम सब घर में रहते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस यानी जिस तरह हाउस में रहते हैं, लेकिन हाउस यानी घरों के अलग अलग प्रकार होते हैं. लेट्स अस लर्न अबाउट सम देम. आज हम पढ़ेंगे कि कौन से हाउसेस है. फर्स्ट अपॉन बंगलो. फर्स्ट अपॉन सी हियर, फर्स्ट हाउस नेम इज, और हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस. फर्स्ट डिफरेंट फर्स्ट हाउस नेम इज बंगलो. ओके. नेक्स्ट अपार्टमेंट्स. नेक्स्ट इग्लू. इग्लू कार वैन. कार वैन हाउस बोट. हाउस बोट टेंट. टेंट हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. ओके. सो टुडेज न्यू टॉपिक, जिस तरह से हम घर में रहते हैं उसी तरह से घर में, घर नाम पे घर होता है, लेकिन घर के अंदर बहुत से रूम्स होते हैं. इन हाउस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स, नेम्स आल्सो डिफरेंट. यानी हम हाउस एक फुल घर यानी एक बड़े घर को नाम एक घर नाम देते हैं, लेकिन घर में अलग अलग रूम होते हैं और रूम के अलग अलग नाम होते हैं. समझ में आ रहा है बच्चों आपको? इन हाउस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आल्सो नेम्स. ओके. सो स्टूडेंट्स सी हियर, यानी एक बच्चों आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जहां आप सोते हो ना, जिस रूम में, उस रूम को आप क्या बुलाते हो बच्चों? बोलो. जिस रूम में आपका बेड होता है, उस रूम में आप जाके सोते हो,
उस रूम को क्या बोलते हैं बच्चों? टेल मी, यू स्लीप नो इन योर रूम? टेल मी स्टूडेंट्स नेम, टेल मी, बेडरूम। जिस रूम में बेड होता है, जहां आप जाकर आप सो सकते हो, उस रूम को आप क्या नाम दे सकते हो? बेडरूम। स्टूडेंट्स, और एक नाम बताती हूँ, योर मदर कुक फूड नो? स्टूडेंट्स, योर मदर कुकिंग योर फूड नो? स्टूडेंट्स टेल मी, टेल मी रूम नेम। स्टूडेंट्स, जहां आपकी माता यानी मम्मी आपको खाना बनाती है ना, उस रूम को क्या बुलाते हैं बच्चों? बोलो, जहां आपकी मदर आपके लिए फूड यानी कुक कराती है, उस रूम को आपको क्या बोलते हो बच्चों? किचन। ओके, सो हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स। ओके, मैच द एक्टिविटी द रूम्स, मैच द एक्टिविटी विद द रूम्स दे टेक अ प्लेस इन। आपको ए पिक्चर्स देखना है और यहाँ रूम जो है ना उससे मैच करना है। सो स्टूडेंट्स टेल मी, स्लीप, वेयर आर यू स्लीपिंग? वेयर आर यू स्लीप? डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में सोते हो? बेडरूम, किचन एंड बाथरूम। सो स्टूडेंट्स टेल मी, वेयर आर यू स्लीपिंग? बेडरूम और डाइनिंग रूम? बेडरूम। सो हियर मैच। ओके, नेक्स्ट ईट। ईट यानी जहां आप खाना खाते हो ना, वो कहां बैठ के खाते हो बच्चों? उस रूम को क्या बुलाते हो? किचन, बाथरूम, डाइनिंग रूम। टेल मी, यू सिट एंड ईट इन डाइनिंग रूम। ओके, नेक्स्ट बाथ, जहां आप नहाते हो ना, बाथ यानी नहाना। स्टूडेंट्स टेल मी, विच टाइप रूम हियर? किचन और बाथरूम। कहां नहाते हो बच्चों आप? इन बाथरूम। सी हियर, नेक्स्ट सी हियर कुक, यानी आपकी माँ जो खाना बनाती है ना, उस रूम को क्या बुलाते हैं? किचन। ओके, सी हियर अगेन वन टाइम आई टेल यू, स्लीप बेडरूम, स्लीप बेडरूम, ईट डाइनिंग रूम, बाथ बाथरूम, कुक किचन। ओके स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो राइट इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88, मैच दिस फॉलोइंग। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इन द किचन। जिस तरह से माँ अपने लिए खाना बनाती है ना, उसी तरह से किचन में अलग अलग प्रकार के थिंग्स डिवाइसेस होते हैं, वहां आपको मैच करना है। सो स्टूडेंट्स टेल मी, इन किचन व्हाट यू सी इन डिवाइसेस, यानी डिवाइसेस यानी कौन कौन से वस्तुएं होती है बच्चों? बोलो, किचन में आपने फ्रिज देखा है, ओवन, वाटर फिल्टर, मिक्सर, टोस्टर, यानी हम किचन में ये सभी वस्तु देखते हैं ना बच्चों? सो हियर मैच दिस फॉलोइंग, मैच द डिवाइस यूज्ड इन किचन विद देयर फंक्शन, यानी उस डिवाइस जो है ना, ये डिवाइसेस जो वस्तु है ना, उसके जरिए हमें क्या क्या मिलता है वो हमें यहाँ मैच करना है। जैसे कि मेक्स वाटर प्योर, यानी पानी शुद्ध होता है, कीप्स थिंग कोल्ड, यानी वस्तु ऑलवेज नियमित ठंडे रहने के लिए रहते हैं, यूज्ड बेक केक्स ब्रेड, ऐसे डिवाइसेस होते हैं कि उसका उपयोग करके हम केक बना सकते हैं, यूज टोस्ट ब्रेड,
ब्रेड हम खाते हैं ना बच्चों, और टोस्ट बनाने के लिए एक मशीन होता है, वो यूज ग्राइंड पेस्ट मेक पाउडर एंड जूसेस, यानी कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं कि वो हमें पेस्ट पाउडर बनाने के लिए उपयोग में आते हैं। जैसे कि देखो फ्रिज, वी यूज फ्रिज नो, फ्रिज का उपयोग क्या होता है, कीप्स थिंग्स कोल्ड, फ्रिज में हर वक्त हमें क्या मिलता है, कोल्ड यानी ठंडा मिलता है ना बच्चों, बर्फ मिलता है, आइसक्रीम मिलता है, जिसमें रखने से हमें कोल्ड रहता है ना वो। ओके, ओहन में हम क्या बेक करते हैं बच्चों, केक एंड बन, ओके ब्रेड। नेक्स्ट वाटर फिल्टर मेक्स वाटर प्योर, मिक्सर यूज्ड ग्राइंड पेस्ट मेक पाउडर एंड जूसेस, टोस्टर यूज्ड टू टोस्ट ब्रेड। ओके सो स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो मैच दिस डिवाइसेस एंड देयर फंक्शंस। ओके सो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फिनिश, यू ऑल्सो राइट पेज नंबर 88 एंड 89 ओनली टेक्स्ट बुक वर्क। ओके टुडेज क्लास फिनिश, थैंक यू।